एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित पलौला गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हाजी मुजफ्फर हुसैन है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी व जूनियर पाठशाला में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए गाँव में 25 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए 50 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई जा चुकी हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, सरकारी ट्यूबवेल, सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। देखिए, मैं ग्राम प्रधान पुत्र मोहम्मद वासिफ बात कर रहा हूँ, और जो कि हमारा गाँव जोया ब्लॉक में पड़ता है, जिला अमरोहा में। देखिए, जैसे कि हमारे गांव में आवासों की कमी चल रही है, जनता को रहने की परेशानी हो रही है, उसके हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारे गांव में आवास दिलाए जाएँ। और भी काफ़ी सड़कों की भी समस्या चल रही है, लाइट वगैरह की भी चल रही है, और जी नल वगैरह भी सही होने हैं। सड़कें तो ज़्यादातर ठीक हैं, लेकिन फिर भी और कमी चल रही है, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें आवास के लिए आमंत्रित करे। और ये जो प्रधान होते हैं, प्रधानों को तो कुछ इन्होंने कर ही नहीं रखा, प्रधान के हाथ में तो एक मोहर लगाना भी नहीं है, सही बात तो ये है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव में वर्तमान प्रधान द्वारा बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द गांव के लिए फंड दुरुस्त कराने की मांग भी की। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, ग्राम पलोला के प्रधान हाजी मुजफ्फर अली। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाँव हर कहीं चौराहे पे लाइट लगा हुई है और पानी के नल भी है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है।